स्वच्छ शहरों की सूची में अपनी स्थिति सुधारने का लक्ष्य लेकर जम्मू नगर निगम मंगलवार को लोगों के बीच पहुंचा। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन शर्मा व कमिश्नर अवनी लवासा ने अन्य अधिकारियों के साथ शहर के बीसी रोड जाकर दुकानदारों में डस्टबिन बांटे। मेयर व कमिश्नर ने इस मौके पर दुकानदारों से अपील की कि वे कूड़ा करकट डस्टबिन में डालें ताकि नगर निगम की ओर से आने वाली गाड़ियां वहां से एकत्रित कर सके और क्षेत्र में गंदगी न फैले। मेयर व कमिश्नर ने उम्मीद जताई कि लोगों के सहयोग से जम्मू जल्द देश के पहले 10 स्वच्छ शहरों में शामिल होगा। देश के अंदर बाकी शहर अच्छे साफ सुथरे शहरों में नाम आता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। चाहे मैं अंबिकापुर की बात करूं, चाहे मैं बात करूं इंदौर की या और किसी शहर की बात करूं, जम्मू शहर को भी हम लोग सब मिलकर, जम्मू वासी सब मिलकर इस शहर को साफ सुथरा करने चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हर दुकान पे जो मेन बाजार है उन पे हम डस्टबिन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो सारा कूड़ा करकट जो हो उसमें डालें। सुबह हमारा ऑटो आएगा, जो भी टाइम बाजार के जो लोग जो एसोसिएशन तय करेगी उसी टाइम पे ऑटो खाली करके वो चले जाएंगे। इसी तरह पिछले साल हमारा जो नंबर आया था जम्मू शहर का वो 329 नंबर था, 329। लेकिन इस बार जो मेहनत की गई जम्मू वासियों द्वारा या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा मिलकर हम सब ने इस बार 224 नंबर आया, 224। अगर इस तरह और हम लोग सब मिलकर जम्मू शहर के लिए काम करेंगे वो दिन दूर नहीं जब जम्मू शहर भी टॉप 10 में आएगा। इनकी सबसे रिक्वेस्ट है और ये कहना मैं चाहती हूँ कि बिना नागरिकों के साथ के जो भी सफाई अभियान है वो अधूरा रहता है। तो मैं यहाँ के मार्केट एसोसिएशन का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है और आगे भी करते हैं।